संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कारक प्रकरण चल रहा है और कारक प्रकरण महीने पंचमी को जाना जो वास्तव में बहुत बड़ा लग रहा होगा, क्योंकि सूत्रों को छोड़ना ठीक नहीं है। एक तरफ से चला जाए तो ठीक रहेगा, आगे आने वाले समय में कुछ लोगों को बड़ा ही लाभ मिलेगा। आज हम सप्तमी विभक्ति को शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि षष्ठी विभक्ति हम बाद में ही समझेंगे। ठीक है, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति के बारे में जानने से पहले हम सूत्र ले लेते हैं, फिर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आधारोधिकरणम, ठीक है, आधारोधिकरणम। सूत्र सीधा कह रहा है कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। संज्ञा विधायक सूत्र है, याद रखना। ये क्या है? ये संज्ञा विधायक सूत्र है। आधार रूपी क्रिया का जो आधार रूपी कारक होता है उसकी अधिकरण संज्ञा करता है ये सूत्र। कौन संज्ञा करता है? अधिकरण संज्ञा करता है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है इसके द्वारा। ठीक है, अब आधार क्या है वो हम देखेंगे। आधार को चलिए देख लेते हैं। आधार को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, औपश्लेषिक, ठीक है, वैश्विक आधार, अव्यापक आधार। औपश्लेषिक आधार, वैश्विक आधार, अव्यापक आधार, ये तीन आधार माने गए हैं। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। औपश्लेषिक आधार क्या होता है? उप समीपे संयोग औपश्लेषा। इसका सीधा तात्पर्य होता है जो संयोग हो दो वस्तुओं का। अब संयोग बराबर में भी हो सकता है, लेकिन इसमें आगे कहा गया है आधेय और आधार की औपश्लेषक आधार। आधेय और आधार दो होते हैं इसमें। आश्रित, आधेय का मतलब आश्रित वस्तु। आश्रित वस्तु जो है वो किसी पर आश्रित रहती है। जब किसी पर आश्रित रहती है तो जो आधार है उसको रखे रहने का, आश्रित रहने का, उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। याद रखना। अब क्या याद रखना है? अब उदाहरण के तौर पर ये कलम है। कलम को यदि मैं कुर्सी पर रख दूं तो कुर्सी क्या हो जाएगी? वो आधार हो जाएगी। आधे क्या रहेगा? ये कलम, यानी आश्रित है ये कुर्सी पर। कुर्सी पर रखी हुई है, हाथ पर रखी हुई है, तो ये आधे है अर्थात आश्रित है और ये आधार है। इस पर ये रखी हुई है तो इस आधार की अर्थात हाथ रूपी आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी आधारो अधिकरण से। तो ये क्या है? ये संयोग है, संयोग। ठीक है, नजदीकी संयोग। संयोग को औपश्लेषिक आधार बोला जाता है, दो वस्तुओं के नजदीकी संयोग को। अब चलते हैं वैषयिक आधार। वैषयिक आधार मतलब विषय कृतो वैषयिक, अर्थात विषय से संबंधित, विषय से मिलकर के बनाइए। किसी को जैसे मोक्ष में इच्छा है, हरि की मोक्ष में इच्छा है, तो मोक्ष उसका विषय हो गया। विषय क्या हो गया? मोक्ष। तो मोक्ष में इच्छा है तो वहां वैषयिक आधार हो गया। ठीक है, तो इसमें ये व्यवस्था देखी जाती है। मेरी संस्कृत पढ़ाने में रुचि है, तो संस्कृत विषय है उसमें रुचि है, तो वो क्या हो गया? वैषयिक आधार हो गया। तो जिस विषय में जिसकी रुचि हो या जिस विषय में जिसका अधिकार हो, विषय से संबंधित जो भी हो वो आधार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? वैषयिक आधार के अंतर्गत आता है और उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाती है। किस सूत्र से? आधारो अधिकरण से। अब आता अभिव्यापक आधार। अभिव्याप्नोति सर्वम, एक इसका शब्द है अभिव्याप्नोति सर्वम, अर्थात जो सभी अंगों में व्याप्त हो। जैसे तिल है,
इसका उदाहरण एक ही दिया है यहाँ, ईश्वर का भी दिया है, कुछ भी हो जो जैसे तिल है, तिल को अगर तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, फोड़ा जाए, उसमें से सारे अंगों से निचोड़ करके तेल निकलता है। अच्छा, जो तेल शब्द बनाया है वो तिल से ही बना है, सरसों से, सरसों का तेल बोल देते हैं ना, सरसों का तेल, लेकिन तेल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो तिल से हुई है, ठीक है, इसलिए तिल का उदाहरण देते हैं। तो तिल के सभी अंगों में तेल व्याप्त है, सभी में ईश्वर है, तो ईश्वर सभी के अंदर है और बाहर भी, सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, सभी जगह ईश्वर मौजूद है, कण कण में मौजूद है। तो वो व्यापक का मतलब प्रत्येक अंग में कोई भी छूटा ना रह जाए, वायु सर्वत्र है, वायु का ऐसा नहीं कि कोई भी जगह खाली हो, वायु सब जगह व्याप्त है, वातावरण में, अंतरिक्ष में नहीं, अंतरिक्ष से ऊपर निकलेंगे तो वायु का अभाव भी हो जाएगा। तो ये अव्यापक, अव्यापक के अंतर्गत आता है, अव्यापक आधार हो जाएगा और उन्हीं शब्दों से आधार और अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और सप्तमी। अब यहां बात आती है अधिकरण संज्ञा होने के बाद सप्तमी कैसे आएगी, तो उसके लिए प्रयोग किया गया है सप्तम्य अधिकरणी चा, ठीक है। ये हमने पंचमी विभक्ति की अपनी अंतिम जो वीडियो थी उसमें समझाने का प्रयास किया। मैंने बताया था कि ये चा है, चा से दूर अंतिकार्तेभ्यो जो सूत्र था वो उसको लाया जा रहा है, दूर और अंतिक जो शब्द होते हैं, इनके जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनसे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है इस चा के द्वारा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक लिंक दे दूंगा, आप हमारी पुरानी जो वीडियो है उसको जाकर के देख लेना, नहीं तो इसको समझाने बहुत समय लगेगा, इसलिए मैंने उनको एक ही जगह कर दिया था। ये बड़े कन्फ्यूजन वाले तीन सूत्र थे, कोशिश करी थी मैंने ये लाने की। अब आता है सप्तमी अधिकरण, अर्थात अधिकरण में, सीधी कह रहा अधिकरण में, पेपर अधिकरण में सप्तमी का प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी जो आधार हैं उनकी अधिकरण संज्ञा होगी इससे, आधार और अधिकरण से, और सप्तमी अधिकरण चा से इसमें सप्तमी का प्रयोग किया जाएगा। चलिए हम इसको उदाहरण देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। औपश्लेषक का ये उदाहरण देख लेते हैं पहले हम, औपश्लेषक आधार के बारे में हमने जान लिया। इसका उदाहरण है नंबर एक, चटाई पर बैठता है ना। अब यहां पर चटाई पर बैठना, चटाई, कोई व्यक्ति है वो चटाई पर बैठा हुआ है, तो बैठने का जो आधार है वो क्या है, चटाई है। बैठने का आधार क्या है, चटाई है, तो चटाई की क्या होगी, अधिकरण संज्ञा हो जाती है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं उस दूसरे सूत्र को भी, सप्तम्य अधिकरणे। जब अधिकरण संज्ञा हो जाएगी फिर इस सूत्र से सप्तम्य अधिकरणे चा पूरा है, इस सूत्र से इसमें सप्तमी का प्रयोग कर लिया जाएगा। क्या आ जाएगा, कटे आस्ते, बस इतना प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सप्तमी का प्रयोग करके क्रिया का प्रयोग कर लिया जाएगा, कटे आस्ते। इसके मैं एक दो उदाहरण दूंगा, जल्दी जल्दी खत्म करने का इसको प्रयास करेंगे, बस इसमें कुछ खास नहीं था, बस इतना ही था, हमको आधार समझ में आ जाए, औपश्लेषिक कौन सा है, वैसे ही कौन सा है, और अव्यापक कौन सा है। जब आधार समझ में आ जाएगा तो आधार की सीधी कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। खाट पर सोता है, अब खाट पर सोता है वही है, सोने का आधार क्या है, खाट है, तो खाट पर सोने की व्यवस्था दे रखी है इसमें, तो क्या बन जाएगा इसमें,
इसकी क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। किससे? आधार और अधिकरणम से, और सप्तम में अधिकरण चार सूत्र से इसमें सप्तमी का प्रयोग कर लिया जाएगा। खटवायाम शेते, ठीक, सीधे इसमें सप्तमी का प्रयोग करके क्रिया का प्रयोग कर लिया जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। गुरुकुल में रहता है, गुरुकुल में रहता है तो रहने का आधार क्या है देखना पड़ेगा। रहने के आधार क्या है? गुरुकुल है। गुरुकुल आधार हो गया, और तो आधार की क्या हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, और अधिकरण संज्ञा होती ही सप्तमी अधिकरण चार से इसमें सप्तमी का विभक्ति का प्रयोग कर लिया है तो क्या बन जाएगा? गुरुकुले वसती, ठीक। तो इस तरह से ये औपशिलेषिक आधार का प्रयोग हम देख चुके। अब हम अगले आधार पर चलते हैं, वैषयिक आधार पर चलते हैं। वैषयिक आधार, इसकी मोक्ष में या मोक्ष के विषय में, ऐसा कर लो, इच्छा है। इसकी मोक्ष के विषय में इच्छा है, ठीक है। अब देखिए, विषय में इच्छा है, अब मैंने बताया ना विषय से संबंधित जब भी आ जाए तो क्या है इसमें, किसमें कौन सा विषय क्या है? मोक्ष, इसमें विषय है तो मोक्ष में, मोक्ष आधार हो गया, और आधार होते ही उसमें सप्तमी का प्रयोग कर लिया जाएगा। आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और सप्तमी अधिकरण से तो बन जाएगी अस्य मोक्षे जिज्ञासा अस्ति, अस्य मोक्षे जिज्ञासा अस्ति, इसकी मोक्ष के विषय में इच्छा है, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। वह गणित पढ़ाने में लगा हुआ है ना। अब गणित पढ़ाने में लगा हुआ है, कौन सा विषय है उनका? गणित, गणित विषय हो गया तो गणित विषय पढ़ाने में लगा हुआ है तो सहा गणित अध्यापने व्यापृतः अस्ति, व्यापृतः मतलब लगा हुआ है। तो गणित अध्यापने में क्या हो गया? आधार हो गया ये, क्योंकि गणित विषय हो गया उसका, और विषय से संबंधित जब भी कोई भी चीज आ जाए तो उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर लिया जाता है। अधिकरण होते ही सप्तमी अधिकरण से उसका प्रयोग हो जाता है तो गणित अध्यापने व्यापृतः अस्ति, ठीक। सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा एक दो बार अगर रिवाइज करेंगे तो बिल्कुल दिमाग में सही से बैठ जाएगा। अभी उदाहरण पर चलते हैं। मेरी व्याकरण में रुचि है। अब कह रहे हैं कि मेरी व्याकरण में, व्याकरण विषय में रुचि है। किसे पूछा किसमें रुचि है भाई तुम्हारी? वो कह रहे हैं कि मेरी व्याकरण विषय में रुचि है तो क्या आएगा इसमें? मम
व्याकरणे आधार हो गया, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी इस सूत्र से, और इस सूत्र से सप्तमी का प्रयोग किया जाएगा। रुचि अस्ति कारक प्रकरण धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और जल्दी हम समाप्त करने का इसका प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने बीच में और भी चीजें ले ली हैं, संज्ञा भी ले ली है, उधर वेदांत सार को भी सोच रहे हैं कराने का, और ऐसी चीजें हैं। ठीक, चलिए अब हम तीसरे आधार पर चलते हैं। अभिव्यापक, अभिव्यापक में बताया गया है जिस प्रकार तिलों में तेल है उसी प्रकार सब में ईश्वर है। ठीक है, तो कह रहे हैं जिस प्रकार तिलों में तेल है, तिलों में सब में ईश्वर भी सब जगह व्याप्त है, और तेल भी मैंने बताया था इसका उदाहरण थोड़े से पहले, तो यथा तिलेषु तैलम, तैलम अस्ति कर लीजिए ना, है या वर्तते, तथैव सर्वेषु ईश्वरः अस्ति। ठीक, मैंने इसको समझा दिया था, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, हम अगले उदाहरण पर चलते हैं सीधे। इस दूध में घृत कम है, अब घृत कोई कम नहीं होता, किसी एक घृत कम होता है, लेकिन किसी एक दूध के किसी एक हिस्से में नहीं होता, वो सभी में होता है, सभी दूध का पूर्ण रूप से परिवर्तन होता है, तो दूध क्या हो गया है, अधिकरण हो गया, और इससे सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, अस्मिन् दुग्धे सर्पी न्यूनम अस्ति। उम्मीद है आपको ये सप्तमी विभक्ति शुरू की जो दो सूत्र हैं वो समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।